मौलाना साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, राम जी एक बार फिर से उन्होंने एंट्री कर ली है अपनी गुजरात के चुनावों में, और अब तो परिदृश्य बहुत बड़ा हो गया है। जीवीएल का आपने ट्वीट देखा, उन्होंने राम जी ने एंट्री कर ली है चुनाव में, ये क्या होता है? आप कभी ऐसे कहेंगे कि अल्लाह की एंट्री हो गई है? अरे आप हिंदू हैं, आप राम जी के साथ ऐसी मजाक क्यों कर रही हैं कि राम जी की एंट्री हो गई चुनाव में? आप नाराज मत होइए सर, एंट्री हो गई देशभक्ति का सर्टिफिकेट मुझे बीजेपी से नहीं चाहिए। आप मेरे राम भगवान राम आगे मैदान पे मजाक बताइए, पात्रा बताइए, छदम छदम हिंदुत्ववादियों बताइए, तीनों 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 इस्लाम के बताइए, संबित पात्रा तारीख बता दीजिए, चलिए तारीख बता दीजिए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ये कहते हैं कि कोर्ट जो फैसला करेगा वो हमें मान्य होगा, कोर्ट जो फैसला करेगा हमें मान्य होगा, और आडवाणी जी कहते थे कि राम मंदिर आगे कृष्ण है वो कैसे समझा नहीं सकता। आप आडवाणी जी की बात मानेंगे, रविशंकर प्रसाद के नाम पर ऐसा कैसे कह दिया कि राम जी की एंट्री चुनाव में हो गई? बताइए संबित पात्रा, संबित पात्रा आपने राम प्रसाद चलने का काम क्यों किया? राम को चलने का काम क्यों किया? श्री राम को हमारे दिल में बैठे, संबित पात्रा हमने संविधान के नाम पर आप लोग गुजरात चुनाव में जिस को लाना चाहते हैं लाइए, ये हमारा डिबेट है और मुझे आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरे भगवान मेरे दिल और मंदिर में निवास करते हैं, आप इस्लाम फॉलोअर बताएंगे, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। आप अपने साथ में दीजिए सर, आप अपने साथ में दीजिए सर, मौलाना साहब को बोलने दीजिए। नहीं नहीं सर, हो गया। अरे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे मेरे भगवान के लिए सर, मैं अपने भगवान को जहाँ भी बसाऊँ मुझे नहीं चाहिए। बस आपने अपनी बात कह दी, मैंने अपनी बात कह दी, बिल्कुल हो गई है सर। अरे वोटों के लिए राम भगवान राम का इस्तेमाल हो रहा है, मोहम्मद चुनावी राम भक्तों को दुख हो रहा है। अभी आपके नाम संबित पात्रा जी डीएचपी से जाकर पूछिए, उनसे बड़ा राम भक्त कौन है आज की तारीख में? दुख होता है उन्हें कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो राज्य और केंद्र में बैठी है सत्ता में, वो आप कहती है कोर्ट फैसला करेगा। संबित वहाँ मत जाइए, आज हम कोई और मुद्दे पर बात करें। गुजरात चुनाव की तरह घुमाइए मेरी डिबेट मंदिर इतने सालों में भगवान राम के मंदिर का दिखाया गया।